सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले टाटा स्टील BSL LTD के बारे में, और काफ़ी कुछ इसमें पॉजिटिव वे में जाता हुआ स्टॉक हमें दिखने वाला है आने वाले टाइम में। और जब बात करें अगर इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स भी अच्छे खासे देने वाला है। और पिछले रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो इसकी अच्छा खासा स्टॉक जा रहा था, बट काफ़ी डाउन ही आ गया था बीच बीच में। तो अभी एक हम कह सकते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसे खरीदने के लिए। तो उसे हम कैसे अपॉर्चुनिटी को हम कैसे अचीव करें, तो हम इस वीडियो में बताने वाले। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फोर्ट शेयर्स के अपडेट्स के लिए। तो टाटा स्टील BSL, तो आप देख सकते हो 93 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है, और इसका करंट प्राइस भी वही है। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स भी इसने अच्छे दिए, लगभग 1 रुपये 40 पैसे का इसने रिटर्न दिया। और बात करें अगर इसके परसेंटेज में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, कितना स्टॉक बढ़ता हमें दिख रहा है, तो 1 रुपये 52 पैसा % की हमें तेजी इसमें देखने को मिल रही है। आज 92 रुपये 40 पैसे पे स्टॉक ओपन हुआ और लगभग ऊपर गया 93 रुपये के लगभग, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज चलते चलते 93 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, 93 रुपये 40 पैसे के आसपास, फिर स्टॉक नीचे आ गया। लगभग ज़्यादा ये रिटर्न दे सकता था, बट थोड़ी बहुत इसमें गिरावट देखने को हमें मिल गई। वही अगर बात करें 5 दिन के टाइम फ्रेम पर, तो 5 दिन के टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए स्टॉक में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 90 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, फिर उसके बाद और ज़्यादा नीचे की ओर आता हुआ स्टॉक हमें यहाँ पर दिख रहा है। लगभग आ गया था ये 90 रुपये तक, फिर ऊपर गया 93 रुपये तक, फिर साइडवेज चलते चलते लगभग 94 तक चल गया था, फिर नीचे आया, फिर 94 रुपये 50 पैसे तक आया, फिर साइडवेज चलते चलते स्टॉक नीचे आ गया। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 2 रुपये 45 पैसे स्टॉक रिटर्न दे रहा है, और बात करें तो 2.70% का इसे रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं पास्ट 1 मंथ की, तो पास्ट 1 मंथ की अगर बात की जाए स्टॉक में, तो एक मैंने स्टॉक अच्छा खासा ट्रेड किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक हमें गिरता ही दिख रहा है, और नीचे भी आया था लगभग 91 रुपये तक, फिर 99 तक गया, और यही एक था कि स्टॉक अच्छा खासा तेजी में चल रहा था, और यही एक हमें अपॉर्चुनिटी है कि हम इसे बाय कर सकते हैं काफ़ी कम लेवल्स पर। अगर पिछले रिकॉर्ड्स की बात की जाए 6 मंथ की, तो 105 रुपये शेयर ट्रेड कर रहा था 105 रुपये पर, फिर स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया था, 89 रुपये 88 रुपये तक भी स्टॉक चले गया था, बट हम तब खरीद नहीं पाए। तो अभी भी हमें टाइम है। और बात की जाए ओवरऑल रिटर्न्स की, तो 43 रुपये तक स्टॉक ने रिटर्न दिया है। 43 रुपये तक स्टॉक ने रिटर्न दिया है लगभग 86% के 86% के हिसाब से, और 5-6 मंथ की मैं बात कर रहा था। अब बात करते हम 1 साल की, तो 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, फिर बढ़ते 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 स्टॉक ने लच्छे खासे हायर हाइस लगा, 105 रुपये तक गया। और ओवरऑल रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो 67 रुपीज़ तक स्टॉक बढ़ा है, और 261% की हमें तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 10.20 करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें यहाँ पर दिख रहा है। और वही अगर बात की जाए इसके भावन विक के हाई की, तो 109 रुपये 52 वीक का हाई है, और लो की अगर बात करें तो 19 रुपये 85 पैसे के इसका लो भी हमें दिखाई दे रहा है। हाई इसने लगाया था 93 रुपये का आज, और लो लगाया था 91 रुपये का, और 92 रुपये का इसने 92 रुपये ओपन हुआ था। बात करते हैं चार्ट की, तो चार्ट में आपको काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है, और कैसे हम कहाँ पर इसे खरीद सकते हैं, और कहाँ पर हम इसे कहाँ तक हमें टारगेट रखना चाहिए, इसको कहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हो चार्ट में एकदम सिंपल सा मैं बताने वाला हूँ, और 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। तो आप देख सकते हो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा एक पैटर्न है, और यहाँ पर से हमें रिजेक्शन मिला था। रिजेक्शन मिलने के बाद ये काफ़ी स्टॉक हद तक नीचे आ गया था, हमें रिजेक्शन मिला था कम से कम 100 रुपये के लेवल से, फिर स्टॉक आ गया था लगभग 87 के लेवल तक यहाँ पर आ गया था, फिर उसके बाद ऊपर उठा लगभग 93 तक, फिर नीचे आ गया, फिर साइडवेज चलते गया, फिर इसने लगभग 94 का ही लगाया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आया, अभी 93 पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो गाइस काफ़ी हद तक हमें हायर हाइज देखने को मिल सकते हैं। अगर हमें इस लेवल पे कहीं पर भी अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो आई थिंक मैं 94 रुपये के लेवल पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा और ऊपर की ओर जाएगा। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट हमने रखा है, वो टारगेट है हमारा लगभग 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का टारगेट तो ईजिली हमारा अचीव होने ही वाला है,
और 100 रुपये का टारगेट को भी अगर क्रॉस कर देता है तो काफ़ी हाई राइज हमें स्टॉक में देखने को मिलने वाला है और काफ़ी ये रिटर्न देने वाला है स्टॉक आने वाले टाइम में। तो गाइस अच्छा स्टॉक है, अगर आप बिगिनर हो, तो ऐसे स्टॉक काफ़ी कम ही देखने को मिलते हैं। और अगर वही अगर इसके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट देखी जाए, इसके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसमें है, कहाँ तक स्टॉक बढ़ा है तो हम देखते हैं। आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रेवेन्यू जनरेट किए हैं। अगर पीछे से हम देखें तो जून में स्टॉक ने लगभग 26.97 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, 26.97 बिलियन का। और उसमें से कंपनी के पास पैसा बचा कितना, तो 15.97 बिलियन कंपनी के पास पैसा बचा था। और उसके बाद सितंबर 2020 की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 55 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कंपनी के पास लगभग हाथ में पैसा था वो 8.98 बिलियन, और ओवरऑल अगर सब काट के देखा जाए तो 30 बिलियन पैसा कंपनी के पास था। और वही बात सितंबर की बात अगर कंपैरिजन किया जाए दिसंबर 2020 से, जून और सितंबर से कंपेयर किया जाए तो 58 बिलियन कंपनी के पास पैसा था। और बात की जाए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की तो 29 बिलियन कंपनी के पास पैसा था। क्योंकि अगर कंपनी प्रोडक्शन अपने ज़्यादा करती है तो उसे मार्जिन भी उतना लगता है, उसे इन्वेस्ट भी उतने करने पड़ते हैं, इन्वेस्ट भी उससे उतना ही करना पड़ता है। मार्च 2020 की अगर बात करें तो 73 बिलियन कंपनी का जो है रेवेन्यू है। और नेट इनकम की बात करूँ तो नेट इनकम भी 19.13 बिलियन है, और परसेंटेज में अगर देखा जाए डेवलप टेस्ट EPS का तो ऊपर जाता हुआ है, नेट प्रॉफिट भी ऊपर जाता दिख रहा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात करें तो 22.696 बिलियन है, और कैश ऑफ हैंड्स कंपनी के पास 7.44 बिलियन पैसा था। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की बात की जाए तो 34.95 बिलियन यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब बात करते हैं जून 2021 की, तो रेवेन्यू के पास का अभी रेवेन्यू कंपनी ने कमाया था जून में कमाया था। मार्च के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो 78 बिलियन है। तो ईयर ऑन ईयर जो आप देख सकते हो कैंडल्स भी ईयर ऑन ईयर ऐसी बढ़ रही है, एक के बाद एक ऊपर ही जाती हुई हमें दिख रही है। तो और 60 बिलियन को भी इसने क्रॉस कर दिया था अगर बात की जाए 2021 में, तो 78 बिलियन यहाँ पर चल रहा है। और वहीं नेट इनकम की बात करें तो 24 बिलियन है, और अब बात की जाए कंपनी के पास अभी भी 32 बिलियन का अमाउंट बचा हुआ है। और कंपनी जरा सा भी नेगेटिव वे में नहीं जाते हुए दिख रही है, कंपनी ऊपर जाते हुए ही हमें दिखेंगी। और अगर वही बात करें इसके वन डे टाइम, चलो ठीक है हम डे टाइम फ्रेम पर बात करते हैं, तो यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पर आपको क्लियरली यहाँ पर समझने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पर सब हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर एक चीज़ समझ में आने वाली है, अगर मैं एक ट्रेड लाइन सिंपल सी एक ट्रेड लाइन बना दूँ कुछ इस प्रकार के, इस टाइप की मैं ट्रेड लाइन बनाता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो स्टॉक है ये यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है 97 के लेवल तक। तो यहाँ पर तो स्टॉक जाएगा ही जाएगा, साइडवेज स्टॉक चलता है कोई भी अगर स्टॉक होता है तो ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है। तो साइडवेज चलते चलते स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट देगा और अच्छे खासे हायर्स लगा देगा, यहाँ पर भी हमें वही देखने को स्टॉक में मिलने वाला है। तो गाइस काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि टाटा का स्टॉक है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न से देने वाला है आने वाले टाइम में। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।